गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 11:20 हो रहे हैं। आज काफ़ी लेट उठा हूँ। सैटरडे है तो आज हॉलीडे भी है, तो हॉलीडे के दिन थोड़ा सा कम ही काम होता है, तो थोड़ा लेट सो उठता हूँ यार। आज इंटरव्यूज़ वगैरह कोई फिक्स है नहीं। आज मौसम भी बढ़िया है तो आज मैं भी थोड़ा सा बाहर घूमने जाऊँ या फ्रेंड्स वगैरह से मिलूँ। बंदर का क्या सीन सुन रहा हूँ? अरे बंदर राजकुमार ओ सब समझा लेंगे दोनों, नहीं तो दूध में और पाव में पका के पूरा डिब्बा उठा लेंगे। मेरी तरह आप भी बाकी करेंगे शाइन नया सनसेट ब्लैक शाइन से वो तो। एक रुपए का ये शैम्पू लगा के इनके बाल इतने बढ़िया हो गए मम्मी। ना हमारी मम्मी कह रही हम तो 10 रुपए वाला लगाते हो उसमें भी कुछ ना होता। तो आज मैं अपने भैया को छोड़ने जाऊंगा आजमगढ़ में, क्योंकि आज उनकी ट्रेन है वहाँ से कैफियत एक्सप्रेस दिल्ली जाने के लिए। तो उसमें क्या है कि आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यार, हल्की हल्की जो मतलब झीसी सी पड़ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं भीग तो जाऊँगा ही उस टाइम पे, तो उससे बेहतर है कि मैं अब आके ही ना हूँ। तब तक मैं अपने एप्लीकेशन पे वर्क कर लूँ जो मैं प्रोडक्ट एप्लीकेशन बनाने वाला था। कि कल मैं लैपटॉप बिल्कुल टच नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो, जो भी करूँगा मैं पेन पेपर करूँगा, लैपटॉप पर कुछ भी नहीं करूँगा। अभी थोड़ी देर पहले हमें ऐसे ही एक रैंडम इंसान थे बाहर हमारे, तो मस्जिद है ना पीछे, तो शायद उसी से निकले थे, मुझे नहीं पता था। तो वो कुछ इधर उधर ढूंढ रहे थे, तो मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा कुछ ढूंढ रहे हैं अंकल बताइए, किसी के घर वर ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने उनको लगा कि मैं उनको जानता हूँ या कुछ ऐसा, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप जानते हो मेरे को? मैंने कहा कि अंकल फेस से तो याद आ रहा है, बाकी ऐसे याद नहीं आ रहा। तो बोल रहे हैं मैं यहाँ का पहले चेयरमैन था, तो सब वो अंकल थे वो असल में। तो मैं उनके पास 3-4 बार गया था पहले बाबा के साथ, तब मैंने उनको देखा था, लेकिन अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। हेलो गाइस, तो ये टाइम हो गया है अब भैया को छोड़ने जाने का, 3 बज रहे हैं और 4:25 की ट्रेन है। तो हम वो आधे घंटे वाली फिलॉसफी फॉलो करते हैं, आधे घंटे पहले रेलवे स्टेशन पे पहुंचना जरूरी होता है, अदरवाइज फिर इंसान सफर करता है फालतू में जल्दीबाजी के चक्कर में। जी सर। तो बाइक बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, ऑटो से भी जा सकते थे लेकिन मज़ा आने वाला है यार, तो कौन मज़ा मिस करेगा इतना बढ़िया। तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ भैया को छोड़ने बाइक से, और बारिश में भीगते हुए जाएंगे हल्का हल्का। गुंडे ढेर करेंगे तो फीट फाट देंगे। स्टार्ट करते हुए हर्ष देवंशी जी एकदम फॉर्म में। अभी हम आजमगढ़ में पहुंच गए हैं, भैया गए हैं कुछ दवा लेने के लिए। दवा लेकर के आएंगे फिर उनको रेलवे स्टेशन छोड़ूंगा और मैं दवा लेकर के घर चला जाऊंगा। तो देखो आज तो काफ़ी लेट हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है घर पहुंचते पहुंचते, बारिश भी हो रही है, मैं तो भीग चुका हूं आगे से, बट बहुत हल्की हल्की झीसी पड़ रही थी तो इसकी वजह से बहुत कम भीगा हूं मैं अभी। सो वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द ट्रेन, बट ट्रेन अभी भी खड़ी है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे है। कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी हो जाए, इनको बैठा के निकलते हैं फिर घर। फाइनली यार ट्रेन पे तो बैठा दिया है, बट वो जो मेडिसिन मैंने ली थी वहाँ से वो मैंने उस पर बाइक पे खुली छोड़ करके चलाया हूँ, और बारिश का मौसम है तो इस वजह से भैया को ट्रेन निकलने से पहले ही मुझे जाना पड़ रहा है, वो अदरवाइज मेडिसिन ख़राब हो जाएगी अगर बारिश गलती से भी तेज़ होगी तो। अभी मैं सुतरही आ गया हूँ, एक गांव है यहाँ पे, मेरा फ्रेंड रहता है यहाँ पे, तो उसी से मिलने आया हूँ। तो गांव का एनवायरनमेंट देख करके यार कभी कभी ऐसा लगता है क्यों ही हम शहर में हैं।
अभी मैं आ गया हूँ सठियाँ रेलवे स्टेशन के पास में। तो रेलवे स्टेशन काफ़ी बदल गया है यार, तो मैंने सोचा एक बार इसको भी अपने वीडियो में कैप्चर कर ही लेता हूँ। तो हम तो यहाँ पे ऐसे आए थे घूमते फिरते टहलते, मेरा दोस्त भी है, ये विवेक नाम है इसका, इसका भी खुद का चैनल है तेज अपडेट नाम से। तो ये लोग पता नहीं क्यों झगड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता बट क्या भाई भाई, कुछ भाई भाई ऐसे चल रहा है कुछ। तो पता है तुम्हें, एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, पर यहाँ रेलवे स्टेशन हो गया और एक हो गया हमारा वो वाला, ये सठियाँ वाला रेलवे स्टेशन, दोनों इतने प्रीमियम लगते थे ना भाई, इतने प्रीमियम मैं बता नहीं सकता। अब तुम पर यहाँ चले जाओ, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ना वो मज़ा ही नहीं आता, सब उतर गया है, प्लेटफॉर्म ऊँचे हो गए हैं, आम के पेड़ सारे काट दिए गए हैं जितने रेलवे की ज़मीन में आए हैं। तो वो रेलवे स्टेशन ना मैं बार बार जाता था, लेकिन अब सीन है, अब उस रेलवे स्टेशन पर चला जाऊँ तो मेरे से नहीं हो पाता। वो उस रेलवे स्टेशन पर मैं बैठ करके कितनी देर, कितने घंटे बिताएं, कभी कभी चार चार घंटे। और वो परियां में भाई लिटरली वो सामने आम का पेड़ था एक, लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो ऐसा लग रहा था कि 1950 वाला अंग्रेजों वाला बना हुआ था, और आज देखो क्या हालत है इसकी। मतलब मुझे हो गया, लग रहा है कि 7-8 साल हो गए यहाँ आए दोबारा। तो वही हमारा जो एरिया है ना, जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी जो हमारी एक यूनिकनेस थी हमारे एरिया की वो भी जाती जा रही है। बट ठीक है, मॉडर्नाइजेशन भी ज़रूरी है, बट लोग भी उसी हिसाब से डेवलप होने चाहिए। लोग अभी वहीं के वहीं रह गए हैं और एरिया डेवलप होते जा रहे हैं। आते आते तो काफ़ी लेट हो गई है, बट अभी 8 बजे से पहले मैं घर पे आ चुका हूँ। गाड़ी वाड़ी चढ़ा करके अब देखो, अब वीडियो एडिट करके वापस डालूँगा यूट्यूब पे, तो आपको मिलेगी आज सुबह। ठीक है गाइज, ओके बाय बाय। टिकिया तो ठीक है, कल 12 बजने से पहले ये सारा रुपया तुम खुद अपने हाथों से लाकर मुझे दोगे।